हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन हो रहा है बुधवार और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज तारीख है 6 फरवरी। तो अभी सुबह की मैं कर रही हूँ पूजा और अभी मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, नहा धोकर हो गई हूँ मैं रेडी। और तो सबसे पहले पूजा करने से पहले मैं अपने मंदिर को साफ कर देती हूँ और फिर इसके बाद लगाऊंगी दीपक। तो गाइस मिलती हूँ मैं आप लोगों से, पहले पूजा कर लेती हूँ। और इधर अब क्या है, थोड़ी सी गर्म सुबह जल्दी हो जाती है 6 बजे, क्योंकि अब जल्दी से सूर्योदय हो जाता है और धूप बहुत जल्दी निकल आती है, जिससे कि अब जल्दी उठना पड़ता है। और कभी कभी अब 2 दिन से बढ़िया अच्छी धूप निकलने लगी है। 2 दिन बहुत तेज बारिश हुई थी हमारे यहाँ, जब से वहाँ से मेले से घूम कर आया ना, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो उसके बाद अब 2 दिन बढ़िया धूप निकल आई है। तो ऐसे इधर मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूजा, मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज दिन हो रहा है बुधवार और मैंने पूजा कर ली, नहा धोकर हो गए रेडी। अभी बज रहे हैं 8 बजे का टाइम हो रहा है, चलते हैं नीचे देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो गाइस अभी मेरा सारा खाना बन के हो गया रेडी, हम सब लोगों ने खा लिया। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो ये मेरी मौसी की लड़की थी, मेला देखने की वजह से आई थी, तो अब वो जा रही हैं। अभी वैसे और रुकती पर मौसा जी के कुत्ते ने खा लिया ना, तो इसकी वजह से उनको जाना पड़ा, क्योंकि मौसी अकेली हैं और उनकी भाभी गई हैं अभी मायके। और इधर रंजीत छोड़ने जा रहे हैं घर पर, ये पास में गांव है वहाँ पर जा रही हैं। तो इधर वो कर रहे हैं मजाक, तो उसकी वजह से बस चली गई। अब फिर मिलेंगी, पता नहीं कब आएंगी। तो जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, और जाते समय बहुत बेकार लगता है, घर सूना सूना हो जाता है। तो गाइस देखो, आज चिबू के पापा भी आने वाले हैं, क्योंकि उनको कल ही गए थे पर वापस आज हो रहा, कल नहीं परसों गए थे, तो आज वापस फिर से हो रहे हैं। और तो इधर मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर थोड़ी सी धूप लेने के लिए, क्योंकि नीचे सर थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी लग रही थी, तो इसकी वजह से तो गाइस इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने छत का नज़ारा कुछ इस तरीके से। और अभी हमारे चारों तरफ घर ही घर बनते हुए दिख रहे होंगे। और इधर वो दीदी पढ़ा रही हैं, जो हम लोग गए थे मंदिर, वही सामने वाली दीदी अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, और वो आंटी सो रही हैं। तो इधर हमारी तुलसी माता सूख गई हैं सर्दी की वजह से, बहुत उनकी रक्षा की, पर फिर भी तो देखो कितने हरे भरे खेत लगने लगे हैं। और आज छत भी सूख गई है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप सी निकल रही है छत पर इसकी वजह से, और हवा बहुत तेज चल रही है। तो गाइस अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, तो उसके दोपहर से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो अभी ये दूसरा दिन हो रहा है। और आज दिन है गुरुवार। तो इधर मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो इधर आज मैं जल्दी जग गई, क्योंकि आज जीवू के पापा को जाना है भोपाल, क्योंकि वो भूल गए थे कि मुझको 8 तारीख को भोपाल निकलना है, इसकी वजह से फिर उनको वापस आना पड़ा ये फालतू में। तो फिर अभी इसकी वजह से मैं जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, मैं इधर नाश्ता वगैरह भी लेकर आ गई हूँ, और मैंने नहा
नहा लिया, पूजा भी हो गई है। तो इधर ये हो रहे हैं तैयार, आप भी बज रहे हैं, 10 बजे का टाइम हो रहा होगा और इनकी 11 बजे की ट्रेन है। तो निकलेंगे अभी मुरैना से डायरेक्ट भोपाल, क्योंकि इनकी कुछ भोपाल में मीटिंग वगैरह है और कुछ, तो फिर इनके स्टाफ के लोग जा रहे हैं। तो बस इनकी, मैं सबसे पहले नाश्ता करने से नाश्ता ही कर रहा था, तो इन लोगों इनने कर लिया है। और जीबा भी आज स्कूल नहीं गई है कुछ कारण से, क्योंकि मैं इस बार जीबा की फीस नहीं भर पाई है, तो इसलिए उसको स्कूल नहीं भिजाया है। उसके स्कूल से फ़ोन आ रहा है। तो इधर मैं नाश्ता तो बाद में कर लेती हूँ, पहले इनके ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो मैंने पहले इनके कपड़े बैग लगा देती हूँ फटाफट से। तो अभी कैमरा मेरी जीवा के हाथ में, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गई है, क्योंकि उसकी इस साल की पूरी फीस नहीं भर पाई हम लोगों ने और कुछ कारण की वजह से। तो अब ये बोल रहे हैं कि मत जाने दो, क्योंकि स्कूल में एक गलत बात है बच्चों को, आप ऐसे उनको होमवर्क नहीं देना, फीस की वजह से उनको पढ़ाना नहीं, क्लास वर्क नहीं कराना, ये गलत बात है स्कूलों का। क्या आप पैसों की वजह से बच्चों को पढ़ाते हो स्कूल में? तो एक तरीके के आप अपने वो क्या बोलते हैं वो कर रहे हो, उसको शिक्षा दे नहीं रहे हो। तो गाइस स्कूल, अब इधर मैं फटाफट से इनका बैग लगा देती हूँ, क्योंकि किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊँ स्कूल की बहुत कंडीशन बेकार है आजकल के स्कूलों की। बस इधर हमारा नाश्ता इनने कर लिया है और मैंने इनके लिए खाना भी पैक कर दिया है। और खाने में इनको खाना नहीं ले जाना था रोटी सब्जी, तो इन्होंने चावल बनवाए थे नमकीन, यानी कि पुलाव। और इधर हमारी किंजल हो रही है तैयार वो भी जाने के लिए, और आज इसको आ गया है रात में फीवर, तो इसकी वजह से थोड़ा ये सैड सी है। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ क्या रखना, क्या बार बार तो बोल देते कमर रख दो, नहीं रख दो, रख दो दूसरे में रख दो, तो बार बार मैं निकाल रही हूँ फिर रख रही हूँ, फिर फाइनली इसी में रख दिया। तो मैंने कहा क्यों दो दो बैग टांगने से तो अच्छा कि एक ही में रख लो। तो गैस इधर मैंने इनका बैग लगा रेडी कर दिया लगा कर, तो इधर ही पहन लेते हैं शूज, अब बस निकल रहे हैं भोपाल के लिए। और अब जी लौट कर आएंगे 10-11 तारीख को। तो गैस इधर कहीं जाते हैं तो किंजल बहुत आगे पीछे घूमती रहती है, पापा मैं भी जाऊंगी। तो बस निकल रहे हैं भोपाल के लिए, और अभी स्टेशन तक रंजीत छोड़ने के लिए जाएंगे। और इनकी तबीयत भी ख़राब है, इनकी बैक पेन हो रही है, क्योंकि उस दिन मेले में किंजल को लिए हुए थे और सर्दी के मौसम की वजह से इनको ये तकलीफ़ होने लगती है बार बार। तो बस अभी ये निकल रहे हैं भोपाल के लिए। तो गाइस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट, जब तक के लिए बाय।